तो ऐसे को जब से हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB43 का अपडेट आया है तब से एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है गैस लैग। अब देखो जो भाई लोग अपने लो एंड डिवाइस लाइक 1GB 2GB 3GB या फिर 4GB रैम में फ्री फायर गेम को खेलते हैं अभी के टाइम में उनके फोन में काफी ज्यादा गेम लैग कर रहा है, वो बेचारे गेम को ही नहीं खेल पा रहे। एंड बंदे मेरे को कमेंट करके भी बोल रहे थे प्लीज लब्बा यार लैग फिक्स पर वीडियो लेकर आओ। सो फाइनली गाइस आप सभी की डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके फोन की कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड सेटिंग्स को बताने वाला हूँ। अगर आप उन ट्रिक्स एंड सेटिंग को अपने फोन में कर लेते हो तो आपका जो लैग अभी के टाइम में कर रहा है वो पूरा 100% फिक्स हो जाने वाला है। एंड इसके अलावा गाइस जो लास्ट वाली टिप है ना वो तो एकदम बोनस टिप होने वाली है। तो गाइस देखो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक वॉच करना है। एंड इसके अलावा गाइस देखो मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया है, आपके लिए मैं लैग फिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी मेरी डिमांड को पूरा करो। मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है, बस एक वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो बिकॉज हम लो एंड डिवाइस वालों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए गाइस आपको टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखो वीडियो को स्टार्टिंग कर लेते हैं। टिप नंबर वन होने वाली है क्लोज रिसेंट्स ऐप। अब देखो बहुत सारे बंदे एक मिस्टेक करते हैं, वो अपने रिसेंट्स के ऐप को बिना क्लोज किए ही फ्री फायर गेम को खेलने चले जाते हैं। तो गाइस आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बिना क्लोज रिसेंट्स ऐप किए अपने जो फ्री फायर गेम को खेलोगे तो आपका गेम काफी ज्यादा लैग करने वाला है। आपको एक काम करना है, आपको गेम खेलने से पहले जो भी आपको रिसेंट में एप्लीकेशन दिख रहे हैं सभी एप्लीकेशन को ऐसे आपको क्लियर कर देना है एंड उसके बाद ही गाइस आपको फ्री फायर गेम को खेलना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं टिप नंबर दो में आपको क्या कुछ करना है। डिसेबल ऑटो अपडेट एप्स। अब देखो ये प्ले स्टोर की सेटिंग होती है जिसमें क्या कुछ होता है, कोई भी जब प्ले स्टोर में किसी भी एप्लीकेशन में अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है। यानी जब आप गेम खेल रहे होंगे जब भी अपडेट आया तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाएगा एंड आपके गेम को काफी ज्यादा लैग कर सकता है। आपको ये वाली सेटिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। बंद कैसे करना है, आपको देखो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आपको साइड में क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस आपको देखो यहाँ पे सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड प्रेफरेंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑटो अपडेट एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं तीसरी टिप के बारे में। तीसरी टिप होने वाली है फोर्स स्टॉप एंड क्लियर कैचे। अब तो ये वाली सेटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब पहले मेरे पास लो एंड डिवाइस था तो उसमें ये वाली सेटिंग में करता था एंड मेरा लैग 50% तक फिक्स हो जाता था। तो ये वाली सेटिंग भी आपको स्किप नहीं करनी। अब देखो आपको हर एक एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप एंड क्लियर कैचे कर देना है गेम खेलने से पहले। तो ये आपको कैसे करना है, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एप्स में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है एंड देखो ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद आपके सामने आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो जिस वाले एप्लीकेशन को आपको फोर्स स्टॉप करना है उस वाले एप्लीकेशन पर आपको देखो ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा फोर्स स्टॉप, तो आपको फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देना है एंड स्टोरेज यूजर में जाके इसका गाइस आपको नीचे से क्लियर कैचे भी कर देना है। ये काम आपको हर एक एप्लीकेशन का कर देना है। अगर आपको लग रहा है इसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ऐप कलर एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको वन क्लिक में सारे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देगा एंड जब आपके एप्लीकेशन फोर्स स्टॉप हो जाए तब आप इजीली गेम प्ले कर सकते हो। आपका गेम काफी ज्यादा स्मूथ रन करने वाला है। सुबह से हम बात करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 होने वाली है डिसेबल बैटरी सेवर मोड। अब देखो क्या कुछ सीन होता है, जब भी आप फ्री फायर गेम को खेलते हो तो हर एक डिवाइस में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो इसके लिए बंदे क्या कुछ करते हैं वो यार बैटरी सेवर का यूज कर लेते हैं एंड सोचते हैं इससे हमारी बैटरी काफी ज्यादा चलेगी, आपकी बैटरी बेशक ज्यादा चल जाएगी बट बैटरी सेवर मोड आपके फोन को पूरा स्लो कर देता है जिससे आपको फ्री फायर गेम में लैग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका बैटरी सेवर मोड इनेबल है तो इसको ऑफ करके ही आपको पूरा जो है फ्री फायर गेम को खेलना है। इससे क्या कुछ होगा, आपका पूरा फोन 100% आपके फ्री फायर गेम को देगा एंड आपको लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 होने वाली है डिसेबल अननेसेसरी फीचर्स लाइक ब्लूटूथ वाईफाई एंड लोकेशन। अब देखो सीन क्या कुछ होता है, बहुत सारे बंदों के तो देखो ब्लूटूथ ओपन रहते हैं, उसके बाद गाइस देखो वाईफाई ओपन रहता है एंड देखो लोकेशन वगैरह ये फालतू की चीजें ओपन रहती हैं। इससे गाइस क्या कुछ होता है, आपके गेम पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप ध्यान रखो जब भी आप फ्री फायर गेम को खेल रहे हो आपको ऊपर चेक कर लेना है कहीं आपका जो ब्लूटूथ ऑन तो नहीं है, कहीं आपका वाईफाई ऑन तो नहीं है। अगर ये फालतू की चीज ऑन है तो सभी चीजों को आपको ऐसे ऑफ कर देना है एंड फिर उसके बाद आपको गेम प्ले करना है। अब देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 होने वाली डिसेबल ऑटो सिंक। आपको जो ऑटो सिंक वाली सेटिंग है
इसको आपको डिसेबल कर देना है। इसको कैसे करना है, आपको देखो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजर्स एंड अकाउंट का, तो आपको यूजर्स एंड अकाउंट पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा देखो ऑटोमेटिक सिंक, तो इस वाली सेटिंग को आपको एकदम ऑफ कर देना है। इससे गाइस क्या कुछ होगा, जो आपको डेटा है ना वो ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होने वाला है, तो इस वाली सेटिंग को ध्यान से आप ऑफ कर देना। अब देखो इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 होने वाली है कीप स्पेस फ्री। यस गाइस, अब देखो अभी के टाइम में बंदे क्या कुछ मिस्टेक करते हैं, वो अपनी रैम एंड रोम को भर लेते हैं एंड वो सोचते हैं उनका गेम स्मूथ रन करने लग जाएगा, भाई इम्पॉसिबल है। अभी के टाइम में फ्री फायर गेम 6GB रैम एंड 8GB रैम में भी लैग कर रहा है, तो आपका फोन तो काफी लो एंड डिवाइस है, तो आपको क्या कुछ करना है, अपनी स्टोरेज को जो भी आपका स्पेस है उसको 50% तक आपको फ्री रखना है। फ्री कैसे करना है, अब देखो रैम को फ्री करने के लिए आपके फोन में जितने भी फालतू के एप्लीकेशन है ना उन सभी को आपको डिलीट कर देना है, यानी आपको अपने फोन को ओपन करना है एंड देखना है कौन सा फालतू का ऐप है, तो आपको सभी एप्लीकेशन को ऐसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है जिनको आप लग रहा है कि हाँ ये फालतू का एप्लीकेशन है। उसके अलावा गाइस आपको रोम को कैसे फ्री करना है, रोम को बोलते हैं गाइस इंटरनल स्टोरेज, तो आपको फालतू की फाइल्स को फालतू के फोटोज को सब कुछ आपको डिलीट कर देना है एंड किसी भी मूवी वगैरह को आपको स्टोर करके नहीं रखना है। जो भी आपको मूवी देखनी है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, बट उसको गाइस आपको डाउनलोड करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप डाउनलोड करोगे तो इससे आपकी स्टोरेज भरेगी एंड इससे आपका गेम लैग कर सकता है। तो गाइस आपको अपनी रैम एंड रोम को 50% तक आपको फ्री करना है अगर आपको अपने गेम को स्मूथ रन कराना है। तो इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 होने वाली है गाइस यूज एप्स लाइट वर्जन। अब देखो क्या कुछ चीज है ना, अभी के टाइम में जो चीज आप यूज करते हो ना, जैसे फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, इनके जो रियल एप्लीकेशन होते हैं ना वो काफी बड़े MB के होते हैं एंड वो आपके गेम में आपके फोन को लैग कराते हैं एंड आपकी स्टोरेज को भी घेरते हैं। बट गाइस इन एप्लीकेशन में जो भी लाइट वर्जन होते हैं ना वो काफी कम MB के होते हैं एंड वो लो एंड डिवाइस वालों के लिए बनाए गए होते हैं। सो गाइस अभी के टाइम में आप जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अगर उनके लाइट वर्जन अवेलेबल है तो आपको हमेशा अपने फोन में लाइट वर्जन ही यूज करने हैं। लाइक अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो ना तो आपको फेसबुक लाइट यूज करना है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम लाइट यूज करना है। ये जो लाइट वर्जन होते हैं ना वो काफी कम MB के होते हैं एंड ना ही आपके स्टोरेज को घेरने वाले हैं एंड ना ही इनसे आपका फ्री फायर गेम लैग करने वाला है, तो आपको लाइट वर्जन ही यूज करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 होने वाली है डिसेबल एप्स बैकग्राउंड रनिंग। आपको जितने भी ऐप हैं उनकी अगर आपने बैकग्राउंड रनिंग को ऑन कर रखा है तो सभी की आपको बैकग्राउंड रनिंग को ऑफ कर देना है, बिकॉज अगर एप्लीकेशन की बैकग्राउंड रनिंग इनेबल रहेगी तो आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक वो रन करते रहेंगे। तो आपको इनको ऑफ कैसे करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद गाइस आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है एंड यहाँ पर आपके फोन के सारे कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो जिस भी एप्लीकेशन की आपको बैकग्राउंड रनिंग ऑफ करनी है उस वाले एप्लीकेशन को गाइस आपको ऐसे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बैटरी यूजेज में जाना है। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखो मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड रनिंग, अगर ये आपकी ऐसे इनेबल है ना गाइस तो आपको सभी एप्लीकेशन की जो बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऐसे ऑफ कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, ये वाला एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाला है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 10। टिप नंबर 10 होने वाली है नोटिफिकेशन ऑफ। अब देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप फ्री फायर गेम को खेल रहे हो एंड जब भी किसी एप्लीकेशन से ऊपर से नोटिफिकेशन आती है उस टाइम पे आपका फ्री फायर गेम काफी ज्यादा लैग करता है एंड जो भाई लोग लो एंड डिवाइस में खेलते हैं उनके डिवाइस में तो कभी कभी ऑटो बैक भी हो जाता है। तो गाइस जितने भी फालतू के एप्लीकेशन है जो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेज के परेशान करते हैं सभी की नोटिफिकेशन को आपको ब्लॉक कर देना है। नोटिफिकेशन को ब्लॉक कैसे करना है, आपको वही सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद गाइस आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है एंड जिस भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को आपको ब्लॉक करना है उस वाले एप्लीकेशन पर आपको ऐसे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज नोटिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी नोटिफिकेशन इनेबल है ना तो एप्लीकेशन आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो आपको जो सारी कुछ नोटिफिकेशन है ना ऐसा आपको नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना है। अब इससे क्या कुछ होगा, इस एप्लीकेशन से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी एंड नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपका गेम लैग भी नहीं करने वाला है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं बोनस टिप के बारे में। अब देखो अगर आप सारी कुछ चीजें कर करके थक चुके हो फिर भी अगर आपका लैग फिक्स नहीं हो पा रहा तो ये वाली टिप आप सभी के लिए होने वाली है। इस टिप का नाम है फैक्ट्री डेटा रीसेट। यस गाइस, आपको अपने फोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देना है। लेकिन सुनो, फैक्ट्री डेटा रीसेट करने से आपके फोन का जो भी डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा, आपके फोटो, आपका गेम सब कुछ डिलीट हो जाएगा।
इससे आपका फोन एकदम नया जैसा हो जाएगा। जब आपने पहली बार फोन को परचेज किया था ना नया, तो वही सेम टू सेम आपका फोन हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से ही आपको गेम डाउनलोड करना पड़ेगा और दोबारा से आपको सब कुछ उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे आपका लैग है ना वो 100% फिक्स हो जाएगा। बिकॉज गाइस देखो, अगर लो एंड डिवाइस में फ्री फायर गेम को खेलना है ना, तो आपको 5 या 6 महीने बाद उसको एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट मारना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान रहे, फैक्ट्री डेटा रीसेट मारने से पहले अगर आपके फोन में आपका इम्पोर्टेंट डेटा है तो वो किसी दूसरे फोन में आपको ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है, आपका डेटा फिर आपको दोबारा से ले लेना है एंड फिर आपको गेम को इंस्टॉल कर लेना है। इससे आपकी लैग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। अगर आप सब कुछ ट्राई करके तब चुको तो ये वाली सेटिंग आप सभी के लिए होने वाली है। तो गाइस यही वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन गेम सेटिंग भी बताने वाला हूँ, बिकॉज गेम में भी बहुत सारी सेटिंग चेंज हो चुकी हैं। तो इन गेम की वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लो। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।